हेलो स्टूडेंट्स, आज स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्य पब्लिक स्कूल वाले चैनल पे। ओके, जिसमें अपन 11th क्लास का जो अपना बेसिक चल रहा है और उसमें अपन चला रखा है हमने डिफरेंशिएशन का एक वीडियो हम बना चुके हैं। ये डिफरेंशिएशन का दूसरे नंबर का वीडियो, डिफरेंशिएशन पार्ट 02 अवकलन। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, हालांकि अवकलन बुक में अलग चैप्टर नहीं है 11th की, बट ये हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके बिना हम कोई डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। और डेरिवेशन जब तक नहीं कर पाएंगे तो कितने के दिन रटेंगे हम, कितनी सारी डेरिवेशन में बीच में जो फॉर्मूला आ जाएंगे उनको रटेंगे। तो इसलिए हम पहले ही उनको समझ लें, इनके फॉर्मूलाज पहले ही रट लें, पहले ही देख लें कि ये सवाल कैसे होते हैं, तो हमारा काम और आसान से हो जाएगा। तो हमने पीछे वाले वीडियो में देखा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज देखे, उन फॉर्मूलाज के ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स देखे। आज वाला जो अपना वीडियो है उसमें हम डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये भी बहुत शानदार चैप्टर है और बहुत काम आने वाली चीज है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। भाई हमने कल देखा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, तो आज हम ये भी तो देखें डिफरेंशिएशन का उपयोग क्या होता है, डिफरेंशिएशन का कहां प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बात तो ये कि जैसा कि मैं आपको कल बता चुका हूं डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ विच हैज वेरियस स्लोप, जो कि एक ऐसे ग्राफ की स्लोप है जिसके पास वेरियस स्लोप होती है, जिसका मतलब जिसके पास पॉइंट चेंज करते जाओगे तो उसकी स्लोप चेंज होती जाएगी। उस प्रकार का जो ग्राफ होता है, उस प्रकार का जो कर्व होता है, उस कर्व की स्लोप हम किससे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन से निकालते हैं। पता है हमने कल किया था dy बटा dx इज इक्वल्स टू tan थीटा, और यही हमने कहा था ये क्या होती है, स्लोप होती है प्यारे बच्चों। ओके, आगे बात यहां तक हम कर चुके हैं। अब मान लीजिए कि अपन इसको एप्लीकेशन को करते हैं, माना कि आपके पास कोई एक फॉर्मूला है, सॉरी एक फंक्शन है x square plus x plus 1 आपके पास एक फंक्शन है। इस फंक्शन के लिए आपको ये कहा गया है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x एट विच y विल बी जीरो। क्या कहा हमें कि फाइंड आउट द वैल्यू या वैल्यूज, एक वैल्यू भी आ सकती है, दो वैल्यू भी आ सकती है, कोई जरूरी नहीं है एक ही आए, कोई जरूरी नहीं है दो ही आए, एक भी आ सकती है दो भी आ सकती है। फाइंड आउट द वैल्यूज या फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ एक्स या फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच, जिनके ऊपर वाई का मान कितना हो, जीरो हो। जब कभी आपको ऐसा फंक्शन दिया हुआ है और आपको यह पूछा जाए कि एक्स के उन मानों को ज्ञात कीजिए, एक्स के उन मानों को ज्ञात कीजिए जहां पर वाई का मान जीरो हो, तो आप सीधा और सीधा क्या करोगे, सबसे पहले वाई का डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लेट डिफरेंशिएट वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, dy बटा dx इज इक्वल्स टू d अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ओके, जैसा कि पहले आपको बता चुका हूं मैं, जब प्लस हो एडिशन हो तो डिफरेंशिएशन अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो डिफरेंशिएशन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये कर दिया डिफरेंशिएशन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट, ये कर दिया और ये कर दिया। ओके ओके, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला आपको याद है, पीछे वाले वीडियो में ही हमने किया था, एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं। एक्स की पावर एन बराबर होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ओके चलो, यहां लगाते हैं दो तो बाहर, एक्स की पावर दो माइनस वन प्लस इसका होता है वन, ये कॉन्स्टेंट जीरो, ये आ गया हमारे पास टू एक्स प्लस वन। अब सबसे पहले तो हम, मैंने क्या कहा आपको कि अगर आपको ऐसा सवाल दिया जाए कि x के उन वैल्यूज को ज्ञात करो जहां पर y का मान जीरो हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, y का डिफरेंशिएशन करोगे। फिर जो y का डिफरेंशिएशन आया है उसको आप जीरो के बराबर रख देना, किसके बराबर रख देना, जीरो के। तो हम इसको जीरो के बराबर रखेंगे, तो 2x plus 1 बराबर 0, x बराबर हमारे पास आता है माइनस 1 बटा 2। तो अब आप देखोगे कि x की वैल्यू माइनस 1 बटा 2 जहां होगी वहां पर, x की वैल्यू माइनस 1 बटा 2 जहां होगी वहां पर
y का मान कितना होगा बच्चों, जीरो होगा। y का मान कितना होगा, जीरो होगा। या y का मान जीरो किसके नहीं हो के किसका मान जीरो होगा, dy बटा dx का मान जीरो हो। यहां पे जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो ये क्या, सबसे पहले हम यहां पे चेक करते हैं, एक बटा दो रखा तो एक बटा चार, माइनस एक बटा दो और प्लस का वन। अब देखो क्या बचा यहाँ पे, एक बटा चार प्लस एक पांच बटा चार, पांच बटा चार में से एक बटा दो गया, कितना बचा चार पांच माइनस दो, मतलब तीन बटा चार। ये वैल्यू किसकी है, फलन की वैल्यू है, ये वैल्यू है फलन की वैल्यू। लेकिन हमें ऐसा बताना था कि आप ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे dy बटा dx का मान जीरो हो। यहां पे y नहीं लिख के हम क्या करेंगे, एट विच dy बटा dx विल बी जीरो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, dy बटा dx ज्ञात कर लिया, फिर हमने dy बटा dx को जीरो के बराबर रख दिया तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी। जब x की वैल्यू आपके पास आ गई कि x बराबर माइनस एक बटा दो होता है, जब x बराबर माइनस एक बटा दो होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि यहां पे एक पॉइंट ऐसा होगा, एक पॉइंट ऐसा होगा जिस समय कर्व की ढाल, जिस समय वक्र की ढाल क्या होगी, जीरो होगी। वक्र की ढाल क्या होगी, जीरो होगी। और वक्र की ढाल जीरो होने का मतलब tan थीटा बराबर जीरो, और थीटा बराबर जीरो होने का, tan थीटा बराबर जीरो तो थीटा बराबर जीरो, थीटा बराबर जीरो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा क्या था, थीटा कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में बना एंगल था, इसका मतलब वो एंगल जीरो होगा मेरे प्यारे बच्चों। अर्थात उस पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट लाइन पैरेलल होगी, क्या होगी, पैरेलल होगी। आपको ये इतना समझ में आ गया, मैं इसको मिटाता हूं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे मैंने थोड़ा सा सवाल गलत लिखा था, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एक्स एट विच dy / dx विल बी जीरो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको जीरो पर बराबर रख दिया। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो किस काम की है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे पास जो वैल्यू आई है वो बच्चों इस काम की है कि हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है x बराबर माइनस एक बटा दो। वैल्यू क्या आई है अपने पास, x बराबर माइनस एक बटा दो, और इस पर dy बटा dx कितना है, जीरो। dy बटा dx क्या है बच्चों, tan थीटा, इट इज ए स्लोप, और tan थीटा बराबर क्या है, जीरो। इट मींस थीटा बराबर भी जीरो, थीटा बराबर जीरो, इसका मतलब जो कर्व था, जो हमारा ग्राफ था, उसके और एक्स एक्सिस के बने बीच में बना एंगल जीरो है। इसका मतलब इस पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट जो लाइन है, स्पर्श रेखा है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अर्थात ये इस प्रकार से होगा कुछ, या तो ये तो ये पॉइंट है और इस पॉइंट पर खींची गई लाइन ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, यहां पर भी एक पॉइंट ऐसा होगा, ये दोनों पॉइंट हो सकते हैं बच्चों। अब इनमें से ये होगा या ये होगा, ये कौन पता लगा सकता है, इसकी भी मेथड हम पढ़ेंगे। ध्यान देना एक बार दोबारा से, dy बटा dx बराबर जीरो रखने का मतलब ये है कि ढाल को जीरो कर दिया, किसको जीरो कर दिया, ढाल को जीरो कर दिया। ढाल को जीरो करने का मतलब यह हुआ कि उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के पैरेलल आएगी, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन एक्स अक्ष के पैरेलल आ गई, आ गई एक्स अक्ष के पैरेलल, आप दोनों देख रहे हो। लेकिन यह कर्व का मैक्सिमम पॉइंट है बच्चों, अधिकतम वाला बिंदु है, लेकिन जो मैं दूसरे वाला बना रहा हूं ये कर्व का मिनिमम पॉइंट है। तो अब मैक्सिमम कितना होगा, या मिनिमम कौन सा होगा, या मैक्सिमम कौन सा होगा, ये फाइंड आउट करने का भी हमारे पास तरीका है, वो भी डिफरेंशिएशन पर डिपेंड करता है। कैसे करता है, चलो वो करते हैं अपन। हमने ये बनाया, अब हम मिटाता हूं इसको और एक सवाल और लेते हैं अपन। आपने देखा ग्राफ से कौन मैक्सिमम होता है, कौन मिनिमम होता है। y बराबर x क्यूब बटा 3, ओके, फिर 5x स्क्वायर बटा 2 प्लस 6x, वही बात, हमें x की वो वैल्यू याद करनी है जहां ढाल जीरो हो। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं,
करते हैं इसको डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट किया तो आया 3x² / 3। ये तभी आएगा जब आप पीछे वाले वीडियो से प्रैक्टिस करोगे। इसको किया तो 10x / 2, इसको आया 6। 3 से 3 काटो, 2 से 5। dy/dx अपने पास आया +5x + 6। ओके, वैल्यू क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है जहां पे dy/dx = 0 हो। इसको 0 के बराबर रख देते हैं, इसको 0 के बराबर रख देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 3x + 2x + 6 = 0। एक्स कॉमन x + 3 + 2 कॉमन x + 3 = 0। x + 2 x + 3 = 0। अब वही वापस बात, दोनों को अलग अलग, x + 2 = 0 तो x = -2, x + 3 = 0 तो x = -3। अब ये आ गए दो बिंदु, x की दो वैल्यू ऐसी आ गई जहां पर आपकी टेंजेंट का मान, सॉरी, जहां पर आपकी स्लोप, कर्व की स्लोप का मान 0 है। इसका मतलब दोनों बिंदुओं में से कौन सा ऐसा बिंदु होगा जो ऊपर जाएगा मैक्सिमम, कौन सा ऐसा बिंदु होगा जो मिनिमम आएगा, इसीलिए ये सवाल लिया है मैंने। अब हमें फाइंड आउट ये करना है कि -2 या -3 में से कौन सा ऐसा बिंदु है जहां पे, एक पे तो ऊपर वाली की तरफ स्पर्श रेखा खींचेंगे जो एक्स अक्ष के समांतर होगी, एक नीचे होगा और उसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचेंगे जो एक्स अक्ष के समांतर होगी। तो इसकी क्या विधि है, इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। हमें यह पता चल गया कि dy/dx = 0, x के दो मान हमें प्राप्त हो गए। तो अब क्या होता है बच्चों, dy/dx इसको मिटाता हूं, ये कर लिया हमने, हमारे पास x की दो वैल्यू है, उतारते जाते हो साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। dy/dx = 0, यहां से दो पॉइंट निकल गए, एक तो मैक्सिमम और एक मिनिमम, ये दो पॉइंट निकल गए यहां से, एक तो मैक्सिमम और एक मिनिमम। अब क्या करते हैं हम इसको, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं प्यारे बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक बार और, कर दिया डिफरेंशिएट, यही तो होता है डिफरेंशिएशन का फैक्टर, इसको कर दिया डिफरेंशिएट, इसको लिखा जाता है d²y/dx² = हमारे पास क्या था, x² + 5x + 6, यही तो था dy/dx, थोड़ा सा वीडियो को पीछे किसका हो, यही था dy/dx, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, करो इसको डिफरेंशिएट, 2x + 5 आया, ये किसका मान है, ये है d²y/dx² = 2x + 5। जब आप अपनी स्लोप को, कर्व की स्लोप को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, कर्व की स्लोप तो एक ही बार हो रही है, या जो हमारे पास चीज आई है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो जो आपको मटेरियल मिलेगा वो मिलेगा 2x + 5, एंड इज डिनोटेड बाय d²y/dx². ओके, देखो माथा झंझनाट करेगा लेकिन कोई ज्यादा हार्ड वाली चीज है नहीं है, फील करना है अपने को केवल, मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, कर्व जब अधिकतम जाता है वो मैक्सिमा, कर्व जब न्यूनतम जाता है तो वो मिनिमा, सीधी सी बात है, कोई डाउट यहां पे है ही नहीं, सीधी बात, नो बकवास वाली बात, एकदम सीधी बात। हमने इसको डबल डिफरेंशिएट किया, अब मैं यहां पे एक कंडीशन लिखूंगा, अगर मैं, मेरे को d²y/dx² x की वैल्यू रखनी है, d²y/dx² ये रहा, अगर मैं जो x के ये जो मान है इनको अगर यहां रखूंगा, अगर इसका मान नेगेटिव आया तो वो मैक्सिमम पॉइंट है ग्राफ का, अधिकतम बिंदु है, अगर ये मान रखने पर ये पॉजिटिव आया तो वो मिनिमम है। सुन लो मेरी बात, x की वैल्यूज निकाली, dy/dx = 0 रखे, हमें मैक्सिमा मिनिमा चाहिए थे, खुजली अपनी चल रही थी, निकालेंगे अपन, इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया, उस टर्म्स को बोलते हैं d²y/dx²
डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, दिस इज एज लाइक डिफरेंशिएट ऑफ द डी वाई बटा डी एक्स। इसका तो डिफरेंशिएट ही तो है, डिफरेंशिएशन ही तो है इसका, और कुछ थोड़ी है, कोई नई चीज थोड़ी। डिफरेंशिएशन कर दिया इसका डी वाई बटा डी एक्स का, तो ये डी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बन गया। एक बार और किया 2x plus 5, यहां से कुछ निकालना नहीं है अपने को, अपने पास दो वैल्यू है, इन दोनों को इसमें रखेंगे, जिससे हमें ये नेगेटिव मिलेगा वो मैक्सिमम होगा, जिससे हमें ये पॉजिटिव मिलेगा वो मिनिमम होगा। देखते हैं डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, रखते हैं x बराबर माइनस दो, ठीक है, ये रहा 2 इंटू माइनस दो प्लस 5, माइनस 4 प्लस 5 बराबर 1, दिस इज पॉजिटिव, तो देन x बराबर माइनस दो इज मिनिमा, ये निम्नतम बिंदु है ग्राफ का, ग्राफ का कौन सा बिंदु है, ये निम्नतम बिंदु है। आ जाओ रखो x बराबर माइनस तीन, दो इंटू माइनस तीन प्लस पांच, माइनस छह प्लस पांच बराबर माइनस एक, नेगेटिव, दिस इज मैक्सिमम, ये अधिकतम बिंदु है। ये ग्राफ का कौन सा पॉइंट है, अधिकतम वाला पॉइंट है, अर्थात इस पर ग्राफ की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। प्यारे बच्चों दोबारा एक बार सुनना, एप्लीकेशंस क्या थी, एप्लीकेशन इतना ही था कि हमें ग्राफ की ऐसी वैल्यू निकालनी है, ग्राफ में से एक्स की ऐसे वैल्यू निकालनी है जहां पर ग्राफ के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स के समांतर हो। तो हम क्या करते हैं, जो अपन कर्व जो स्लोप निकालते हैं डी वाई बटा डी एक्स, उसको जीरो के बराबर रखते हैं, ये हमारे पास उसकी एक वैल्यू गेन हो जाती है। फिर हम ये देखते हैं कि तो अगर मान लिया आपको दो वैल्यू मिली है, तो आप देखो कि कौन सी के ऊपर तो मैक्सिमम है, कौन सी के ऊपर मिनिमम है, तो हम क्या करते हैं उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं। हमने एक बार और डिफरेंशिएशन किया, कोई दिक्कत नहीं, हमने एक बार और डिफरेंशिएशन किया तो हमने हमारे पास ये वैल्यू आई। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला जो उतारना बच्चों, ये फॉर्मूला होता है, ये तरीका होता है करने का, कि अगर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर में वो जो वैल्यू आपके पास आई है वो रख के देखोगे, तो अगर हमें नेगेटिव मिला तो वो पॉइंट कौन सा होगा, मैक्सिमम, अगर हमें पॉजिटिव मिला तो वो पॉइंट कौन सा होगा, मिनिमम। तो हमने इन दोनों को रख के दिखा, तो माइनस दो पर हमें मिला पॉजिटिव, तो ये मिनिमम पॉइंट है, माइनस दो कौन सा पॉइंट है, मिनिमम वाला पॉइंट है बच्चों, ये कौन सा वाला पॉइंट है, मैक्सिमम, क्योंकि इसके ऊपर हमें क्या मिला है, नेगेटिव मिला है, निम्नतम बिंदु मिला है। ओके, ये हमारे लेक्चर पूरे होते हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर। दोबारा एक बार डिफरेंशिएशन, अवकलन, केवल किसी भी ग्राफ की स्लोप निकालनी होती है और कुछ नहीं करना होता है। मैंने आपको 11 या 12 फॉर्मूलाज लिखाए हैं, उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कराए हैं, वो न्यूमेरिकल जरूर करते जाना बच्चों, ताकि जब हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करें तो काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने में आप जो प्रॉब्लम फील करते हो डेरिवेशंस में, प्रॉब्लम फील नहीं करो। तभी मैं बीच में नए लेक्चर लाया हूँ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर एनालिसिस, वरना इनको मैं बीच में नहीं लाता, चैप्टर वाइज सीधा चलता। बट हमें चैप्टर वाइज नहीं चल के अपने को कंसेप्ट को क्लियर करते हुए देखना है, तो पहले डिफरेंशिएशन, फिर अब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर वेक्टर एनालिसिस पढ़ेंगे, ताकि अपने को कुछ गेन हो इन वीडियोज के मीडियम से। ओके, तब तक घर पर स्टडी करो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।